सो हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, सो हमने पिछले वीडियो में देखा था रदरफोर्ड्स मॉडल। हमने उसमें रदरफोर्ड के मॉडल के लिमिटेशन भी देखे थे, राइट। एंड हमने उसमें देखा था कि जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इट वॉज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ओके, तो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था? क्योंकि जो रदरफोर्ड का मॉडल था, उसके हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, और इस सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया था ऑर्बिट। जब भी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। ओके, ना उस टाइम पर एक थियोरी आई थी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी ऑफ रेडिएशन। इस थियोरी के हिसाब से कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। एंड अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है, तो वो एनर्जी लूज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी लूज़ होनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, तो धीरे धीरे ये जो ऑर्बिट है, इसका शेप या साइज़ छोटा होता जाएगा, एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि एटम स्टेबल है, तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। इस स्टेबिलिटी को फिर आगे चल के बोर ने एक्सप्लेन किया अपने मॉडल के थ्रू। तो बोर के मॉडल के जो पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे, वो अब हम देखने जा रहे हैं, राइट। तो बोर के मॉडल का जो सबसे पहला पोस्टुलेट था, उसमें उसने क्या कहा था कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं विद हाई वेलोसिटी, राइट। यही चीज़ रदरफोर्ड ने भी डिस्कस की थी, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ओके, तो ये उसका पहला पॉइंट हो गया। फिर बोर ने क्या बोला कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, हर एक ऑर्बिट की एक डेफिनेट एनर्जी है, और इसलिए इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स भी कहा जाता है, और इनको डिनोट किया जाता है के एल एम एन अल्फ़ाबेट से, या फिर 1 2 3 नंबर्स से। ओके, सो सेकेंड पॉइंट क्या बोला बोर ने कि ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट एनर्जी एंड देयरफोर these are known as energy levels or energy shells. okay, ये जो energy shells थे, इनको कैसे number किया गया था?
दीज वर नंबर्ड एज 1, 2, 3... और डेजिग्नेटेड एज KLMN... ओके राइट। नेक्स्ट पॉइंट बोर ने क्या बोला कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड एन एटम, है ना। तो बोला कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4... एन तक चले जाता है, राइट। तो बोर ने क्या कहा, इवन दो ऑर्बिट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल कुछ सेलेक्टेड ऑर्बिट्स में ही प्रेजेंट हो सकता है और इन सेलेक्टेड ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहा गया। ओके, सो थर्ड पोस्टुलेट क्या हो गया, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड एन एटम। ओके राइट। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोर ने बताया, रदरफोर्ड के मॉडल का लिमिटेशन क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज़ करना चाहिए, है ना। ये लिमिटेशन था, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि क्यों नहीं एनर्जी लूज़ कर पा रहा है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जब बोर ने क्या कहा कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक वो ना तो एनर्जी लूज़ करेगा ना गेन करेगा, है ना। इसका मतलब है बोर ने क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो ऑर्बिट की एनर्जी को यूटिलाइज करके रिवॉल्व करेगा, है ना। हमने कहा है ना, ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, मतलब उनकी अपनी कुछ एनर्जी होती है, राइट। तो बोर ने क्या कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं करेगा, वो ऑर्बिट की एनर्जी को यूटिलाइज करके उसमें रिवॉल्व करेगा। तो अगर ऑर्बिट की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है तो ना तो उसकी एनर्जी कम होगी ना ज़्यादा होगी, है ना, राइट। सो फोर्थ पोस्टुलेट क्या था, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर्टिकुलर ऑर्बिट इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी, ठीक है ना, तो वो एनर्जी लूज करेगा ना ही गेन करेगा, राइट। तो अगर ना लूज कर रहा ना गेन कर रहा है इसका मतलब है उसकी एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंट है। ओके, एंड इट्स एनर्जी इज देयरफॉर कॉन्स्टेंट। ओके, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, हमने क्या लिख लिया कि इनकी एनर्जी कॉन्स्टेंट है। ओके,
तो अगर इनकी एनर्जी कांस्टेंट है तो ये जो एनर्जी ऑर्बिट्स हैं इन एनर्जी ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट्स कह दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी स्टेट्स में स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, ओके। अब फिफ्थ पॉइंट उसने क्या बोला कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, ओके। इसको ऐसे समझो, सपोज़ मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकेंड शेल है, राइट। सपोज़ फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो 2 किलो जूल है, ओके, मान लो, ओके, जूल एनर्जी की यूनिट होती है, राइट। सो सपोज़ फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है वो 2 किलो जूल है और जो सेकेंड शेल की एनर्जी है वो 4 किलो जूल है, ओके। अब एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ओके, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इस 2 किलो जूल की एनर्जी को यूटिलाइज़ करके मूव कर रहा है। आपने क्या किया, आपने थ्रू सम एक्सटर्नल सोर्स इसको और 2 किलो जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 4 किलो जूल। ये 4 किलो जूल किसके इक्विवेलेंट हो गई, ये 4 किलो जूल इसके इक्विवेलेंट हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा, ओके। तो हमने क्या बोला कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला जाएगा, राइट। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ये जो स्टेट होगी ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी, राइट, ओके। तो हम इस चीज़ को पहले मेंशन कर लेते हैं फिर हम इसको डायग्राम से समझ लेंगे, ओके। सो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर, अच्छा ये पॉइंट तो हमने लिख ही लिया था, ओके। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी देन क्या होगा, ये जंप कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में, ओके। तो इट जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल, राइट, एंड मूव्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। दिस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, राइट। तो हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट, ओके। और ये मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट है, राइट।
आपने ये ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, राइट। तो हमने क्या बोला, इसकी जो एनर्जी है ये सपोज़ 2 किलो जूल है, और इस शेल की जो एनर्जी है वो 4 किलो जूल है। ओके, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को और 2 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो अब इसकी टोटल एनर्जी 4 किलो जूल हो गई, और 4 किलो जूल एनर्जी किसके बराबर है, सेकेंड शेल के एनर्जी के बराबर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में चला जाएगा, राइट। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन इज़ एब्जॉर्बिंग एनर्जी, तो जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को तो इट जंप्स टू हायर एनर्जी लेवल, तो ये हायर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया है, ओके। ये जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट होगी ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, क्लियर है, ओके। तो ये बोर के पोस्टुलेट्स हैं, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, थैंक यू वेरी मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन अपकमिंग वीडियोज़।